हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्यामाज मेकओवर। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप आई डिडंट ग्रेट। केरकम आछेन? भालो गाइस, आज का ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। दिस इज रियली अमेजिंग। एज यू कैन सी, दिस इज बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा क्या टेक्निक मैंने यहाँ पे किया है वो सब देखना तो बनता है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो हमने सेक्शनिंग शुरू कर दी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे मैं ले रही हूँ वेला ब्लॉन्डर ब्लॉन्डर प्लेक्स 9। एंड जी हाँ, इसमें ओला प्लेक्स की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो उसको। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 20 वॉल्यूम के साथ। और इस टेक्निक में मैं दो तीन टेक्निक मिक्स करके करूँगी। पहले होगा बालियाज, फिर फॉलियाज एंड क्राउन एरिया में बेबी लाइट्स। तो अगर आप मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, और अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं और रेगुलर व्यूअर्स हैं और मेरी वीडियोज़ वॉच करते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या टेक्निक किस तरह से काम कर रही हूँ। कॉर्नर के साइड को पहले डायगनल बैग लिया, कॉर्नर के साइड्स को आपने छोड़ देना है, राइट। और फिर आपने क्या करना है, आपने बालियाज करना है, अच्छे से बालियाज लेना है। और बालियाज टेक्निक के साथ फर्स्ट एप्लीकेशन हैज टू बी बालियाज, इज ऑल अबाउट यू। तो मैंने यहाँ पे बालियाज किया, और मैं फिंगर्स के साथ, एक पिंकी फिंगर के साथ, या इंडेक्स फिंगर के साथ, या रिंग फिंगर के साथ, कोई भी फिंगर जिस तरह से आपको यू नो इजी लगता है। अगर पिंकी फिंगर यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है, या आप कोई ब्रश लेके ब्लेंडिंग कर सकते हो ए जोन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैच नज़र आता है। और यहाँ पे हम जो है ब्रश के साथ बॉटम में इस कलर को अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनी कलर, एनी डिपॉजिटिंग, ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ पे मैं दूसरा फॉइल पेपर लगा देती हूँ उसके ऊपर ही, और कॉर्नर से मैं इसको कवर कर देती हूँ। कॉर्नर से मैं इस तरह से इसको मैं कवर कर रही हूँ, आई मीन लाइक इसको रैप कर रही हूँ। तो आपने भी गाइस इसी तरह करना है जैसे मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। एक एक चीज पॉइंट दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट तक देखते रहिएगा। आज मैंने ऐसे कौन से अंडरकोट में, मैंने जो मैं बताना चाहती हूँ, कई बार हमसे कुछ चीज़ें मिसशेक हो जाती है, कभी हम कुछ चीज़ें गलती करते हैं कलर में, वो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। मैंने जो कलर यहाँ डिपॉजिट किया था वो है, क्यों बताऊँ, वीडियो को देखते रहिए, बाद में बताऊँगी ना की वॉचिंग। एंड यहाँ पे हम डायगनल बैग के साथ फॉलियाज टेक्निक कर रहे हैं, और यही प्री लाइटनिंग जो हमने 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया है अच्छे से एप्लीकेशन कर देंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखोगे कि कई बार क्या होता है, आपको कौन सा अंडरकोट चाहिए, बताई देती हूँ भाई। मैं यहाँ पे इनको डिपॉजिट करने वाली हूँ 7.23। विच कलर? 7.23 विथ 20 वॉल्यूम, नो कलर करेक्टर। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, अब इस टेक्निक को हम करेंगे फॉलियाज, और सारे बैग से फॉलियाज ही होगा। ओनली जो बॉटम लेयर है वो फर्स्ट लेयर जो हम बालियाज कर रहे हैं, उसके बाद फॉलियाज होगा। एंड देन उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे गाइस 7.23 डिपॉजिट करूँगी। तो बताना चाहती हूँ, जो हुआ हमसे, जो मतलब जो गलती हुई वो यही हुआ कि टाइम इश्यूज, राइट। 7 का लेवल में अगर आप डिपॉजिट करोगे तो अंडरकोट क्या होना चाहिए, 7 से 8 लेवल। पर जहाँ 6 लेवल होगा अगर आप डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, ये होगा जो आज इस कलर में हुआ है। और हमने कहाँ मिस्टेक किया, क्या गड़बड़ किया, वो सारी चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में आप लोग सीखोगे, क्योंकि मैं अपने मिस्टेक से भी आप लोगों को सिखाती हूँ, जिसे आप लोग भी कई बार अंडरकोट का नहीं ध्यान देते हो और कलर डिपॉजिट कर देते हो तो ऐसा रिजल्ट आता है। दिस इज 7.23 रिजल्ट। सो बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस पिक्चर में देखते हो लेफ्ट हैंड साइड, तो थोड़ा सा चेस्टनट ब्राउन नज़र आ रहा है, थोड़ा सा चॉकलेटी नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑफ अंडरकोट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप वॉचिंग, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को देखते रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस होते ही आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं, और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, हेयर कलर से रिलेटेड ग्रो करना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर पे, यहाँ पे स्क्रीन पे, एज यू कैन सी द कॉन्टेक्ट नंबर, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 9871369576। आप लोग मुझे कॉल कीजिएगा और बुक कीजिए अपना ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप और भी इन डिटेल्स में सीखते हो। आपको पता है, ऑनलाइन क्लासेस में मैं बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करती हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक से शुरू करूँगी और एडवांस लेवल कवर करूँगी। आई मीन लाइक यू आर गोना लर्न अमेजिंगली ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पे आप लोग सीखते हो इन डिटेल्स में। ये तो चलो वीडियो है 16 मिनट या 17 मिनट, चलो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो होगी,
बट जब ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करोगे आप, उसमें मैं यही छोटे छोटे डाउट्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लाइव रहती हूँ उस टाइम पे, राइट? तो आई एम गोना बी लाइव दैट टाइम. यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क मी ऑन ऑनलाइन क्लासेस. जी हाँ, आपकी कोई भी डाउट्स है आप लोग मुझे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं. जूम पे हमारी क्लासेस होती हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जी हाँ, तो फर्स्ट एप्लीकेशन वहाँ लेफ्ट साइड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम. अब आते हैं राइट साइड में. राइट साइड में मैं यहाँ पे अगेन फर्स्ट एप्लीकेशन होगा बालियाज, उसके बाद होगा फॉलियाज. तो मैं बात कर रही थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स. अगर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, आपके जो थोड़ा बहुत नॉलेज जो आप हमेशा से सोचते हो कि यू नो कलरिंग के कोर्स करने के बाद भी आपको लगता है कि अरे यार अभी भी कलर नहीं आता, तो मेरा ज्वाइन करो, कीजिए ऑनलाइन क्लासेस. आई एम टेलिंग यू दिस क्लास इज गोइंग टू बी ऑसम फॉर यू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, दिस इज अगेन यू नो फॉलियाज टेक्निक. डायगनल बैक लेना है, फॉलियाज टेक्निक के साथ हम काम करेंगे. मैं बताना चाहती हूँ गाइस, सबसे पहले मैंने इनके बेस को कवर किया था और क्या गड़बड़ होता है मैं ये भी बताना चाहती हूँ. शी हैड अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर, लॉन्ग ग्रे, जैसे अगर आप बात करते हैं, शी ऑलवेज टच अप हर हेयर, रूट टच अप करती हैं वो, लेकिन उनका जो ग्रे है थोड़ा सा लॉन्ग था. अब हमें उसको कवर करना जरूरी था, तो पहले आप बालियाज करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा. तो पहले आपको फ्रेश ग्लोबल कलर करना है. तो मैंने उसको 4 नंबर के साथ लिटिल बिट 3 नंबर 30% लेके मैंने पहले रूट टचअप करके TTI कर दिया, ग्लोबल किया, उसके बाद मैं ये एप्लीकेशन कर रही हूँ. तो टाइम तो लगता ही है, और कभी भी आपके पास क्लाइंट आता है तो टाइम ज़रूर लेके चलिएगा, क्योंकि कोई भी टेक्निक्स आप करते हो, यू नेवर नो कितना लिफ्ट हो रहा है, कितना लिफ्ट नहीं हो रहा. अभी मैं यहाँ पे 30 वॉल्यूम ले रही हूँ, उसी ब्लेंडर के अंदर मैं 30 वॉल्यूम मिक्स करूँगी और 30 वॉल्यूम के साथ मैं यहाँ पे काम करूँगी. So here I am just coming front side, left hand side से मैं start करूँगी. और left में जब भी आप start करती हो तो again first section जैसे मैंने आपको बताया मैं बालियाज करूँगी, तो corner के sides को छोड़ना है, bottom को भी थोड़ा सा छोड़ देना है आपने. You have to lift some hair from you know left and right and bottom also. एंड यहाँ पर थोड़ा सा back combing करते हुए, back combing जो है this is called teasing. Teasing करने से क्या होता है कि जो roots के area के जो hair है वो रूट्स में ही सेट हो जाते हैं, नीचे आता नहीं है वो. और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे बालियाज कर रही हूँ. सो अगेन वही 30 वॉल्यूम के साथ, क्योंकि देखो गाइस अगर आप देखोगे ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसे मैं आपको यू नो पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इट मीन्स नहीं होना चाहिए. ब्रश भी जब भी एप्लीकेशन करते हो, ब्रश जो है हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए. साथ साथ हम अपने असिस्टेंट्स को भी लेते हैं, सो दैट यू नो क्लाइंट थोड़ा सा जल्दी फ्री हो सकता है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैं यहाँ पे फॉइल पेपर लगा के अच्छे से एप्लीकेशन कर रही हूँ. तो दिस इज कॉल्ड बालियाज टेक्निक. तो फर्स्ट एप्लीकेशन हैज टू बी बालियाज, एंड सेकंड इज गोइंग टू बी फॉलियाज, एंड देन बेबी लाइट्स, एंड क्राउन एरिया इज गोइंग टू बी बेबी लाइट्स. तो देखना तो बनता है, इस वीडियो को देखते रहिए, कीप वॉचिंग. जल्दी से अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. और हाँ गाइस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और कितने साल से आप मेरे फॉलोअर्स हैं.
सो यस, मैं एक चीज़ हमेशा आप लोगों को हमेशा बताना चाहती हूँ कि कभी भी प्री लाइटिंग के साथ काम करते हो ना तो चेक करो। तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ अभी भी 6 लेवल है भाई, हमें तो 7 और 8 के बीच में चाहिए, येलो ऑरेंज येलो तक तो चाहिए ही चाहिए ना, 7.23। तो ये गलती है जो मैंने किया, यहाँ पे मैं दोबारा से एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बेबी लाइट्स क्राउन एरिया में करूँगी, राइट हैंड साइड में सेम पैटर्न करना है आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में किया, क्राउन में ना आपने अच्छे से बेबी लाइट्स करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी लाइट्स ही आप क्राउन में करेंगे क्लोज क्लोज सेक्शन लेते हुए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से हम लोग बेबी लाइट्स ही कर रहे हैं क्राउन एरिया में। तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि बैक साइड में मैं री एप्लीकेशन कर रही हूँ, री एप्लीकेशन वही 30 वॉल्यूम से ही करेंगे हम। बट द थिंग इज लाइक कई बार क्या होता है कि हम एप्लीकेशन करते रहते, अरे चलो अभी तो कोई बात नहीं, वो 6 लेवल में ही अटक गया है कलर। बट द थिंग इज कई बार ऐसा होता है कि 6 लेवल कई बार 8 लेवल हो जाता है, 9 लेवल हो जाता है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं चेक करके देखूँ तो सही कि कौन सा लेवल अचीव हो गया है। दैट्स अ रीज़न आई चेक इट। आप भी प्री लाइटनिंग के साथ काम करोगे तो साथ साथ अंडरकोट चेक करते रहो। तो इसीलिए बैक साइड से ही स्टार्ट करना हमेशा, मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि बैक साइड से ही आप हमेशा अपना कलर जो है एप्लीकेशन शुरू करेंगे। तो बैक साइड से आपने कलर एप्लीकेशन किया, गाइज मैं जब वीडियो बनाती हूँ पूरा वॉइस ओवर करती हूँ, एक एक चीज़ें टेक्निक्स के साथ समझाती हूँ, इट टेक्स अ हार्ड वर्क। तो गाइज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस है कोई डाउट है यूट्यूब में कमेंट्स कीजिए, अभी इसी वक्त पूछिए अपने डाउट्स, पूछिए अपने क्वेश्चन, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप इस वीडियो को, सो दैट मेनी बिगनर्स, कितने बिगनर्स हैं जो ऐसे टॉपिक होता है वो कंफ्यूज रहते हैं, कौन से अंडरकोट में डिपॉजिट करना है, क्या दिस दैट करके, एटलीस्ट उनके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ये वीडियो, वो बिगनर्स के लिए वो देखें एंड ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो कीप वॉचिंग, देखते रहिए अभी वीडियो को लास्ट तक। तो यहाँ पर मैं रैप कर देती हूँ, अगर आप देखोगे ध्यान से मैंने कम्प्लीटली रैप कर दिया है। अब चलिए देखते हैं, इस तरह से आपने लॉक भी कर देना है कॉर्नर साइड को, और यहाँ पे हम चलते हैं अच्छे से बेबी लाइट्स कंप्लीट करते हैं क्राउन एरिया में। तो यहाँ पे हम क्राउन एरिया में बेबी लाइट्स को अच्छे से एप्लीकेशन करते हैं, एंड देन यू हैव टू लीव फॉर टिल द अंडरकोट। यहाँ पे देखेंगे हम अंडरकोट जो है सिर्फ नीचे का ही 7 और 8 लेवल आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7-8 लेवल बॉटम वाले लेयर्स में तो आ चुका था, बट अभी क्राउन एरिया में बिल्कुल नहीं आया। यही चीज तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी स्टार्टिंग से कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स के साथ और बहुत ज्यादा इन डिटेल्स वीडियो होती है। जैसे अगर आप देखोगे बॉटम में ऑलरेडी हमने जो अंडरकोट हमें चाहिए था वो अचीव हो गया है, लेकिन अभी क्राउन एरिया में अचीव नहीं हुआ है। तो क्राउन एरिया के फॉल को एज इट इज आपने रखना है, उसको ओपन नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ उस एरिया को ओपन करना है फॉल पेपर जहां पे आपको अंडरकोट अचीव हुआ है, तभी तो ओवरऑल कलर इवन लगता है मेरा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 7.23 20 वॉल्यूम के साथ मैं मिक्स करूंगी, लेकिन जो है मिक्सिंग रेशियो 1:1.5 रहेगा। द थिंग इज क्राउन एरिया हमने दोबारा से एप्लीकेशन किया, था वो थोड़ा सा स्किप था, अदरवाइज क्राउन एरिया को दोबारा से 30 वॉल्यूम के साथ हमने एप्लीकेशन किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर यहाँ पे देखोगे क्राउन एरिया जो है वहाँ पे ऑरेंजिश मतलब यहाँ पे 6 लेवल का अंडरकोट नजर आ रहा है गाइस, 6-7 के बीच में, हमें चाहिए था 7 और 8 के बीच में, इसीलिए तो ये 7.23 चेस्टनट ब्राउन नजर आ रहा है। अगर आप 8 लेवल में करते तो एक अच्छा सा ब्लॉन्डिश थोड़ा सा गोल्डनिश ब्राउनिश में नजर आता, बट अभी चेस्टनट ब्राउन इसलिए है क्योंकि 7 का अंडरकोट क्या है येलो ऑरेंज और 6 का ऑरेंज, तो 6 ऑरेंज और 7 येलो ऑरेंज, तो येलो ऑरेंज एंड ऑरेंज तो है ही ना, तो उसके ऊपर अगर आप लगाओगे तो क्या होगा चेस्टनट ब्राउन। दैट्स अ रीजन अगर सेम अगर आप 8 पे डिपॉजिट करते
तो 7.23 का रिजल्ट ना ऑसम आता है, इट्स गोइंग टू बी गोल्डनिश ब्राउन। तो गाइस कोई क्वेश्चन है ये रहा भाई इंस्टाग्राम मेरा हैंडल श्यामाज मेकओवर, जल्दी से मैसेज करके बताइएगा कोई क्वेश्चन कोई डाउट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो कीप कंटिन्यू टू वॉच, अभी भी थोड़ा सा समय है, देखते रहिए। यहाँ पे हम जो है अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे वही 7.23 विदाउट एनी कलर करेक्टर, कुछ भी हमने मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से आपने पूरे हेयर में आपने कोई भी न्यूट्रलाइजेशन कलर नहीं लेना है, मेजरल ग्लो मैंने नहीं लिया है। हम यहाँ पे पतला पतला सेक्शन जो है शैम्पू स्टेशन में ही एप्लीकेशन करने जाएंगे, और पूरा एप्लीकेशन करने के बाद वी हैव टू लीव फॉर 20 मिनट्स एट लीस्ट, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी वाओ सच अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग हेयर कलर, एज यू कैन सी दिस इज बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस कैसा लगा आपको ये बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ब्लैक टू ब्राउन हेयर कलर? सो चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय।